हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचर्स डेस्क। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बीएड के थर्ड सेमेस्टर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, जो क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का है और ये 2018-20 सेशन का क्वेश्चन पेपर है, जो 40 मार्क्स का होता है तथा 10 मार्क्स इंटरनल होते हैं। और यहाँ पे आपको पासिंग मार्क्स 16 लाने होते हैं और मैक्सिमम आप 40 तक में जितना ला सकते हैं। और इसे सॉल्व करने के लिए आपको 1.5 घंटे की टाइमिंग मिल जाती है। ये क्वेश्चन पेपर 3 ग्रुप्स में बटा हुआ होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी तथा ग्रुप सी। ग्रुप ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और यहाँ पे टोटल प्रश्नों की संख्या होती है 5। इस प्रकार 2×5=10 मार्क्स का ये ग्रुप होता है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 2 मार्क्स के होते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, तो शायद वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी ख़राब हो सकती है, वीडियो पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो आप यदि बेहतर तरीके से ना देख पाएँ वीडियो को, तो आप ऊपर दिख रहे 3 डॉट्स में क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी को 360p या उससे ऊपर करके देख सकते हैं, तो आपको शायद वीडियो की क्वालिटी अच्छी दिखने लगेगी। और फिर भी नहीं दिखता है तो आप मेरी बातों पर ध्यान दें कि मैं सारे क्वेश्चन पेपर्स को जो पढ़ रहा हूँ, तो आप मेरी बातों से पता कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका पहला प्रश्न है कि पेडागोजी रेफर्स टू द टीचिंग प्रोफेशन एज वेल एज। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन एक द साइंस ऑफ आर्ट्स, ऑप्शन दो द साइंस ऑफ मैथमेटिक्स, ऑप्शन तीन द साइंस ऑफ टीचिंग, या फिर ऑप्शन चार द साइंस ऑफ एजुकेशन। फिर अगला प्रश्न कि पेडागोजी एंड पेडागॉग कम्स फ्रॉम। इसके ऑप्शन हैं, एक द चाइनीज पीसो, ऑप्शन दो द ग्रीक पेडियोस, ऑप्शन तीन द लैटिन पेडो, या फिर ऑप्शन चार नॉन ऑफ द अबव। फिर अगला प्रश्न कि द मीनिंग ऑफ कैट्स एंड डॉग्स इज। इसके ऑप्शन हैं, लेस देन एवरेज रेन, ऑप्शन दो नो रेन, ऑप्शन तीन रेनिंग अनयूजुअली और अनबिलीवेबली हार्ड, या फिर ऑप्शन चार नॉन ऑफ द अबव। फिर अगला प्रश्न कि कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन एक जापान, ऑप्शन दो रसिया, ऑप्शन तीन यूएसए, या फिर ऑप्शन चार नॉन ऑफ द अबव। और है इस ग्रुप का अंतिम प्रश्न कि लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन एक इंटोनेशन, ऑप्शन दो स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन तीन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, या फिर ऑप्शन चार नॉन ऑफ द अबव। और इसी के साथ अब हम लोग ग्रुप बी में पहुंच चुके हैं, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का ग्रुप होता है। और यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए प्रश्नों के 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का जवाब देना होता है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होते हैं। इस प्रकार 5×2=10 मार्क्स का ये ग्रुप होता है। जहाँ पे पहला प्रश्न इस प्रकार है कि आपको पीर इवैल्यूएशन पर एक छोटा सा टिप्पणी लिखना है, या फिर अगला प्रश्न है कॉल प्रोग्राम्स, इस पर आपको लिखना है। फिर अगला प्रश्न कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स, यानी शिक्षण सहायक सामग्रियां, इस पर आपको लिखना है। या फिर अगला प्रश्न है कि क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इस पर आपको लिखना है। तो इन चारों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। और इसी के साथ अब हम लोग ग्रुप सी में पहुँच चुके हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का ग्रुप है, जहां आपको ग्रुप बी की तरह ही प्रश्नों के 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिनमें किन्हीं 2 ही प्रश्नों का जवाब आपको देना होता है और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक के होते हैं। इस प्रकार 10×2=20 मार्क्स का ये ग्रुप होता है। इसका पहला प्रश्न इस प्रकार है कि क्रिटिकली एग्जामाइन द टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। यह प्रश्न फिर एक बार आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ कि क्रिटिकली एग्जामाइन द टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। यह प्रश्न 6। फिर अगला प्रश्न कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचर एज अ रिसर्चर। फिर अगला प्रश्न कि व्हाट इज द रोल ऑफ विजुअल एड्स इन टीचिंग इंग्लिश।
फिर आखिरी प्रश्न इस वीडियो का कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन यानी CCE। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ इस चैनल पर डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीबॉडी।